Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Friends, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. ओके, लेट एंड बी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द डिफरेंसेस बिटवीन नीड एंड should, must, ought to. ठीक है फ्रेंड, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे क्लास में इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम चाहिए के लिए कब नीड का इस्तेमाल करें और कब शुड, मस्ट और आउट टू का इस्तेमाल करें. कंफ्यूजन रहता है उनको हमेशा, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि मुझे एक पेन चाहिए तो आई नीड अ पेन हम बोल सकते हैं, मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो बोलते हैं. तो वो पूछते हैं कि मुझे पेन चाहिए तो उसमें शुड क्यों नहीं लगाते. मैं कभी कभी सवाल पूछापाची करते हैं, हम क्लास में सबसे पूछापाची करते हैं, तो वो ये बताते हैं. मैं जब पूछता हूँ कि उसे बुक चाहिए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ही शुड अ बुक ऐसा बोल देते हैं. और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं. तो नीड और शुड, मस्ट और आउट टू. नीड, तो टुडे आई विल टीच यू, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मैं आपका कि नीड और शुड, मस्ट, आउट टू का इस्तेमाल हम कब करेंगे और किस तरह के सेंटेंसेज में करेंगे. ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि मुझे पेन की ज़रूरत है. तो मुझे पेन की ज़रूरत है या मुझे पेन चाहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है. ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम आई नीड अ पेन दोनों का बोल सकते हैं. मुझे पेन की ज़रूरत है या मुझे पेन चाहिए, तो दोनों का है इंग्लिश आई नीड अ पेन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है. उसी तरह से तुम्हें जाना चाहिए या तुम्हें जाने की ज़रूरत है, दोनों का अर्थ सेम ही हुआ. इसलिए हम यू नीड टू गो भी बोल सकते हैं और यू शुड गो भी बोल सकते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो ये कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को कि जैसे कि मुझे दूध पीना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को उनको लगता है कि अगर आई नीड टू ड्रिंक मिल्क बोलेंगे तो गलत होगा. लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मुझे दूध पीना चाहिए या मुझे दूध पीने की ज़रूरत है, दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक समान है, इसलिए हम दोनों का इंग्लिश दोनों तरीके से बोल सकते हैं. मुझे दूध पीना चाहिए, आई नीड टू ड्रिंक मिल्क, या आई शुड ड्रिंक मिल्क, हम दोनों बोल सकते हैं. ठीक है फ्रेंड, हम आपको एकदम बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहूँगा कि चाहिए मीन्स जब मुझे पेन चाहिए वहाँ पर हम शुड क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है. वहाँ पर मुझे कोई चीज़ चाहिए, वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वर्ब नहीं है, उस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम शुड नहीं लगाएंगे बल्कि नीड लगाएंगे. ठीक है ना फ्रेंड, इसी तरह से तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत है, मैं आपको बोलता हूँ कि तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत है, या मैं इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोलता हूँ कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही होता है, इसलिए हम दोनों का इंग्लिश बोल सकते हैं यू नीड टू कम टू मी या यू शुड कम टू मी. ठीक है फ्रेंड, अभी आपको समझ में आ रहा है ना, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है या उसे कुछ पैसे चाहिए. अब यहाँ पर उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ही नीड्स सम मनी, उसे कुछ पैसे चाहिए तो ही नीड्स सम मनी, दोनों का इंग्लिश एक ही होगा. यहाँ पर चाहिए आने से हम शुड नहीं लगा देंगे. ठीक है ना फ्रेंड,
कुछ लोग बोलते हैं चाहिए क्या, इंग्लिश तो शुड होता है या मस्ट होता है, फिर हम नीड क्यों लगाएंगे, शुड मस्ट क्यों नहीं लगाएंगे। तो उनके लिए मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जिस सेंटेंस में चाहिए हो और वहाँ पे वर्ब ना हो, क्रिया ना हो, क्रिया मीन्स आप समझते हैं ना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सारे के सारे वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं, जिसमें ना आ रहा है ना। जैसे उसे जाना चाहिए, तो जाना इज द वर्ब, ना आ रहा है, ना चाहिए। तो जिस सेंटेंस में वर्ब होगा, क्रिया होगा और उसमें चाहिए होगा, तो उसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, नीड से भी बना सकते हैं और शुड से भी बना सकते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस में चाहिए है और उसमें कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का चर्चा किया गया उसमें कि ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वहाँ पर शुड या मस्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ पर हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पिताजी को कुछ नौकर चाहिए, मेरे पिताजी को कुछ नौकर चाहिए, इसमें आप देखो इस सेंटेंस को, मेरे पिताजी को कुछ नौकर चाहिए, इसमें कहीं पर वर्ब आता है, क्रिया है, ना चाहिए आ रहा है लास्ट में, नहीं, चाहिए से पहले ना जरूर आना चाहिए क्रिया के साथ, तब वो शुड वाला होगा। मेरे पिताजी को कुछ नौकर चाहिए, तो एक किस किस से बनाएंगे, नीड से बनाएंगे या शुड से बनाएंगे, सोचो आप। नीड से बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है। माई फादर नीड्स सम सर्वेंट, ठीक है ना फ्रेंड। तुम्हारे पिताजी को मुंबई जरूर जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी को मुंबई जरूर जाना चाहिए, तो योर फादर मस्ट गो टू मुंबई। अगर इसकी जगह पर हम योर फादर नीड टू गो टू मुंबई भी बोलते हैं, तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। आप घबराओ मत, डरो मत कि गलत तो नहीं बोल रहा हूं, नहीं, आप एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जिस सेंटेंस में चाहिए है और उसमें वर्ब नहीं है, तो वो शुड या मस्ट से नहीं बनेगा, बल्कि नीड से बनेगा। और जिस सेंटेंस में चाहिए वर्ब के साथ आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है ना चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, नीड से भी बना सकते हैं और शुड मस्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं कि आपका आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम चाहिए के लिए कब नीड का इस्तेमाल करते हैं और कब शुड का इस्तेमाल करते हैं। फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस सेंटेंस में चाहिए है लास्ट में और उसमें कोई किसी भी वर्ब का चर्चा नहीं है, क्रिया की चर्चा नहीं है, तो उस सेंटेंस को हम सिर्फ नीड से बनाएंगे, और जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद चाहिए आ रहा है क्रिया के बाद, उसको हम नीड से भी बना सकते हैं और शुड मस्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद।